हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हम बात करने वाले हैं सेवेंथ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में, जिसका कोड 7AN660.2 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों जरूरी है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है, ये टेस्टिंग या एनालिसिस टेक्निक है जिसके हेल्प से हम प्रॉपर्टी इवेल्युएट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉथ, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, जिससे कि हम पता कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस के बारे में, या किसी भी डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट या कास्टिंग डिफेक्ट हो सकते हैं, कोई भी डिसकंटिन्यूटी है उसके ऑब्जेक्ट में, तो हम पता कर सकते हैं बिना उसको डैमेज किए हुए, बिना ओरिजिनल पार्ट को डैमेज किए हुए हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस तो नहीं है, वेल्डिंग डिफेक्ट या कास्टिंग डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये सबसे चीज़ें पता कर सकते हैं। NDT को हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन भी कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन भी कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो इंस्पेक्टिंग का है, इंस्पेक्शन का, टेस्टिंग का या इवेल्युएटिंग का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग और इवेल्युएशन मटेरियल, कंपोनेंट और असेंबलीज फॉर डिसकंटिन्यूटीज और डिफरेंसेज इन कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सर्विसेबिलिटी ऑफ द पार्ट और द सिस्टम। इसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं मटेरियल के बारे में, या कंपोनेंट के बारे में, या असेंबली के बारे में, कि उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है, बिना उसके सर्विसेबिलिटी या सर्विस कंडीशन को डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसको इफेक्ट किए हुए, इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग जो जिस मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग टेस्ट के बाद भी वो यूज कर सकते हैं, टेस्ट के बाद भी वो यूजेबल रहता है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो एम जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन का, ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंपोनेंट कब एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, हर कंपोनेंट्स का एक अलग फिक्स्ड उनका यूज होता है, कहाँ पे उनका इस्तेमाल होना है। तो कोई भी वर्किंग कंपोनेंट है तो किस कंडीशन में वो एक्सेप्टेबल हो सकता है या किस कंडीशन में वो रिजेक्टेड हो सकता है, वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर टेस्टिंग में इससे हम चेक करते हैं कि इंस्पेक्शन के जो टाइम में कि उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है जिससे कि उसका जो सर्विस लाइफ है वो इफेक्ट है, प्रॉपर वर्क ना करे, ये सब हम लोग इससे चेक कर सकते हैं उसके नेचर और उसके साइज पे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो इवेल्युएट करते हैं अकॉर्डिंग टू एन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टू डिटरमाइन इफ दे आर कंसिडर्ड टू बी डिफेक्ट, मीन्स दैट मटेरियल कैन बी रिजेक्टेड। अगर कोई उसमें कोई डिफेक्ट है, किसी भी तरह का डिफेक्ट है जिसकी वजह से मटेरियल रिजेक्ट हो सकता है, तो वो सब हम लोग पहले ही फाइंड कर लेते हैं जिससे कि बाद में प्रॉब्लम कोई ना हो। ठीक है, ये भी अगर हम टेस्ट की बात करें, किसी भी तरह के टेस्ट की बात करें, तो मेनली दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग मेनली फाइंड करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं, जैसे कि उसका इंपैक्ट रेजिस्टेंस है, डक्टिलिटी है, यील्ड स्ट्रेंथ है, सुप्रीम लास्टिंगनेस है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, फटीग स्ट्रेंथ है, ये सब सारी चीज़ें जो पता चलती हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पता चलती है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मटेरियल को ब्रेक कर दिया जाता है, फ्रैक्चर कर दिया जाता है, उसके हेल्प से हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें नीड की, इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो कोई भी बायर, कोई भी कंज्यूमर अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं किस रिक्वायरमेंट के लिए खरीद रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसी को हम लोग, यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है
जिससे कि उसकी सर्विस लाइफ जो है इजी नहीं रहती है, स्मूथ नहीं रहती है, तो हमें कहते हैं कि जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम किसी भी कंपोनेंट की बात करें तो उसमें रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है द लेवल ऑफ गारंटी और सर्टेनिटी विद विच एन ईजी सर्विस आर ऑफन प्रोवाइडेड बाई प्रोडक्ट। हम लोग उसकी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कहते हैं कि कितना रिलायबल है। अगर किसी कंपोनेंट सबसे पहले तो उसकी उसकी जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर होनी चाहिए। अगर कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कैसे सही हो सकता है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है जल्दी से जल्दी विद इन मिनिमम टाइम, तब हम कहेंगे कि उसकी जो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है काफी अच्छी। ठीक है, ये हर कंपोनेंट में एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ द मशीन एंड सिस्टम विद इन मॉडर्न डेज, अगर हम आज के हिस्से में आज के टाइम की बात करें तो इसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी मशीन्स हैं, जैसे रेलवे की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, एयरक्राफ्ट, स्विफ्ट, पावर प्लांट, केमिकल और अदर इंडस्ट्रियल प्लांट की बात करें, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, 100,000 ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन दीज सिस्टम। जैसे रेलवे की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, ऑटोमोबाइल सिंपल ऑटोमोबाइल की बात करें, बाइक की बात करें, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो हम जब भी रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हम उन सब कंपोनेंट के प्रॉपर वर्किंग की बात करते हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सब के प्रॉपर वर्किंग की बात करते हैं, तभी हम बात करते हैं उसकी उसकी रिलायबिलिटी कैसी है। ठीक है, रिलायबिलिटी जो है वो उसके क्वालिटी लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात करें तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को कहा जाएगा जब उसकी जो फंक्शनिंग है, जिस वर्क के लिए उसको डिजाइन किया गया है, जिस वर्क के लिए उसको बनाया गया है, उसकी फंक्शनिंग जो है काफ़ी समय तक अच्छी सर्विस लाइफ दे, फंक्शनिंग उसकी अच्छी रहे, तब हम कहेंगे उसकी जो सर्विस लाइफ है या उसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। वैसे ही अगर बैड क्वालिटी की प्रोडक्ट की बात करें तो अगर कोई प्रोडक्ट अपने उस सर्विस लाइफ में फेल रहता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तब हम कहेंगे कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है गवर्न होती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हेल्प से एनडीटी टेस्टिंग टेक्निक्स के हेल्प से हम लोग उसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही क्वालिटी की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो वो जो है डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, जिसमें कि डिज़ाइन है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन टेक्निक्स है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में ये सारे फैक्टर्स आते हैं कि डिज़ाइन के समय उसकी क्वालिटी क्या है, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में क्वालिटी क्या है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन में उसकी क्वालिटी क्या है, इन सब सारी चीज़ों से गवर्न होता है। ठीक है, क्वालिटी को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो ये डिफेक्ट्स के टर्म में भी डिफाइन होता है, अगर डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन के टर्म में भी डिफाइन होता है इसकी क्वालिटी। अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्शन या डिफेक्ट की, तो जिसमें मिनिमम या नेग्लिजिबल डिफेक्ट होंगे, हम कहेंगे कि उसकी क्वालिटी जो है सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें पहले से पता होना चाहिए कि किस तरह से किस किस तरह का डिफेक्ट हो सकता है और किस किस स्टेज में हो सकता है। डिफेक्ट जो है डिजाइन के स्टेज में हो सकता है, फैब्रिकेशन के स्टेज में हो सकता है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में हो सकता है, सर्विस कंडीशन में के स्टेज में हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेज में डिफेक्ट हो सकता है, तो हम उस डिफेक्ट के बारे में अवेयर रहते हैं और उस डिफेक्ट के डिटेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज या रिमूव कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस रहता है। तो एनडीटी उन सब चीज़ों में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉट ओनली द फिनिश प्रोडक्ट बट ऑल्सो हाफ फिनिश प्रोडक्ट आर बिकॉज द इनिशियल रॉ मटेरियल। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, अगर शुरुआत में डिफेक्ट आ रहा है कि हाँ जी डिजाइन स्टेज या रॉ मटेरियल के स्टेज में डिफेक्ट आ रहा है तो उसको वहीं पर रिमूव कर देंगे। अगर बाद के प्रोसेसिंग में डिफेक्ट आ रहा है किसी भी तरह का, जैसे अगर मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ रहा है, फैब्रिकेशन टेक्निक्स के टाइम में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग टाइम रहते हम लोग उसको रिमूव करते हैं कि बाद के प्रोडक्ट में ये सारी प्रॉब्लम ना आए और ये पॉसिबल हो सकता है। एंटी टेस्टिंग टेक्निक्स जो है उसके इन सर्विस लाइफ में भी पॉसिबल है, जब वो वर्किंग है फंक्शन में कोई वर्क कर रहा है उस समय उसकी टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अगर हम स्कोप की बात करें तो एनडीटी के जो स्कोप्स हैं वो पॉइंट वाइज हैं। सबसे पहले बात करें तो इसका जो
एप्लीकेशन है, स्कोप है, वो फैब्रिकेशन में है, इन सर्विस इंस्पेक्शन में भी हो सकता है, और प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने में। नेक्स्ट है कि इससे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं डिफेक्ट फ्री, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट और मेंटेन यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट बनने के बाद हमें कोई डिफेक्ट पता चलता है तो उसको मटेरियल को ब्रेक करना या उसका रिजेक्शन का खतरा रहता है। अगर पहले ही हमें पता चल जाए कि प्रोसेस के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कास्टिंग में आ रही है, वेल्डिंग में आ रही है, अगर कोई प्रोसेसिंग टेक्निक्स में या फैब्रिकेशन में आ रही है, तो पहले हमें पता चल जाएगा तो हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इसका स्कोप है। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अगर हम बात करें तो ये क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी एनालाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन प्रोसेस। फैब्रिकेशन और इरेक्शन प्रोसेस में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, चाहे वेल्डिंग की बात करें या अदर ज्वाइनिंग प्रोसेसेस की, तो उनकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एनडीटी का यूज जो है कर सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसकी इंटीग्रिटी प्रॉपर है कि नहीं और इसका यूजफुलनेस प्रॉपर है कि नहीं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है मटेरियल इसका एनडीटी का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मटेरियल सॉर्टिंग में और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में, प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग में भी इसका यूज है, थिकनेस मेजरमेंट में है, और डिफेक्ट डिटेक्शन और लोकेशन में भी है, साथ में डिफेक्ट कैरेक्टराइजेशन में भी है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग आउटकम की बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करता है, जो एंटिटी है वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम इवेलुएट कर सकते हैं नॉलेज को टेस्टिंग टेक्निक्स में। इसके साथ साथ हमें अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ जी कौन सा टेस्टिंग टेक्निक्स कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जिससे रिसर्च या एडवांस स्कॉलरशिप में भी हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके लर्निंग आउटकम की, तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप करेंट रिसर्च और एडवांस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आपकी समझ बेहतर बनती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी जो है आपकी इंक्रीज कर सकती है, जिससे आप बेहतर तरीके से किसी भी डिफेक्ट को समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कोशिश कर सकते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाए। इसके साथ साथ इससे कम्युनिकेशन भी बेहतर होता है। कम्युनिकेशन मतलब जो स्पेशलिस्ट और नॉन स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। अगर आपकी समझ बेहतर होगी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से रिलेटेड, तो किसी भी स्किल्ड या अनस्किल्ड नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जी किसी तरह का डिफेक्ट है, वो कैसा डिफेक्ट है, वो पता कर सकते हैं। अगर हम यूज की बात करें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, फ्लॉ डिटेक्शन या इवेल्युएशन में करते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई फ्लॉ है, मतलब इररेगुलरिटी है सर्विस पे, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लीक, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन मेजरमेंट कर सकते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके हेल्प से कैरेक्टराइजेशन हम कर सकते हैं कौन कौन सा उसमें कंपोनेंट है, इंटरनल कंपोनेंट क्या क्या है। फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायनेमिक रिस्पॉन्स मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम लोग मटेरियल सॉर्टिंग और केमिकल कंपोजिशन डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं, एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ जी कौन सा एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे करके। थैंक यू।